का केस? देखिए, मुझे लगता है कि ये बनाम उस तरह का नहीं है। दरअसल राहुल गांधी इस समय लोगों की इच्छाओं के केंद्र में है। जनमानस ने राहुल गांधी को अपने सिर पर उठा लिया है और जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसकी 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, आज चरम महंगाई, अब टमाटर को आप ये कहने लगे कि मुसलमानों के कारण उसका दाम बढ़ रहा है, जैसे कोरोना के समय वो जिहाद लेकर के आ गए थे, इसको कौन स्वीकार करेगा? अरे साहब, बिचौलिए कौन है? अगर बिचौलियों के कारण ये दाम बढ़ रहा है तो ये कौन नहीं जानता है कि किस जमात के हैं वो, और ये सरकार क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती? उसमें मुसलमान है कि हिंदू है कि कोई और है, ये तो पाक साफ हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल वो केवल मुद्दों को भटकाना जानते हैं, वो भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी सही ट्रैक पर है। राहुल गांधी चाहे सोनीपत में हो, पानीपत में हो, या दिल्ली की सड़कों पर, राहुल गांधी ने अपना बहुत कुछ एजेंडा क्लियर कर दिया है कि उनको जनता के बीच में रहना है, जनता की आवाज बनना है, जनता की आवाज को सुनना है। राजीव जी, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक राजा था, उसने अपने युवराज को निकाला कि जाइए देखिए राज कैसे चलता है, जनता कैसे व्यवहार करती है जी। वो राजकुमार निकलता है और कुछ दिनों के बाद वापस आता है तो राजा ने पूछा कि तोता कैसे बोलता है जानते हो क्या? राजकुमार ने कहा नहीं। फिर उसको भेजा गया और ऐसे ही कई बार भेजा गया, जब आखिरी में उस राजकुमार को सांप की भी आवाज पहचान में आ गई, तब उसको राजा बनाया गया। मैं यहां राजकुमार की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही राहुल गांधी को युवराज कहते हैं, लेकिन जब से वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों से मिल रहे हैं, वो लोगों की उन भावनाओं को पहचान रहे हैं बखूबी। और यही कारण है कि आज चाहे दलित मुद्दा हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की आवाज हो, राहुल गांधी सबके साथ जुड़ करके और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, सांप्रदायिक विभाजन को पाटने के लिए और इसकी संवैधानिक संस्थाओं को फिर से बहाल करने के लिए पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई, उनका घर हमने छीन लिया, तो राहुल गांधी को हम पैदल कर देंगे। राहुल गांधी जितना ही निश्चिंत होंगे और जितना ही लोगों के बीच में होंगे, वो उतना ही जनता के प्रिय होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनेंगे। अगर वो जेल जाते हैं तब तो फिर जो माहौल बनेगा इस देश में, क्योंकि इस देश की जनता का इतिहास ये है कि जब भी किसी नेता के साथ इस तरह का हुआ है, उस जनता ने उसको अपने दिलों में बिठाया, राज कराया अपने दिलों में। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी इस देश के लोगों के साथ सीधा जुड़ेंगे, उनकी उम्मीदें बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। अगर वो बाहर रहते हैं तो जो सुनने में आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू होगी, और जब पार्ट टू होगी तो जो हिंदू हार्टलैंड कहा जाता है, जो उत्तर भारत है, उस उत्तर भारत की जमीन को भी वो उर्वर बनाने का काम करेंगे और जो यहां सांप्रदायिक विभाजन पैदा किया गया है, उस विभाजन को भी खत्म करने में वो कामयाब होंगे। इसलिए राहुल गांधी अब निकल पड़े हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी भी नहीं और गोदी मीडिया भी नहीं। जी, नरेंद्र मोदी, गोदी मीडिया और साथ साथ मोदी